इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्त को दो काम नहीं करना, नकारात्मक सोचना नहीं और संशय में नहीं रहना। क्या करना? सकारात्मक सोचना। हमारे पास जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर केशव प्रताप सिंह जी, तो बोले महाराज श्री हमारा ये कथा आप दीजिए। मैंने कहा देंगे, समय आएगा तो बताएंगे आपको, घबराइए नहीं, करेंगे करेंगे कथा करेंगे। कहाँ हैं डॉक्टर साहब? कहाँ गए हो? सामने बैठा हुआ वो मुख्य यजमान है, कहाँ डोले रहे? आव हो डियर, कम हियर। व्यवस्था के लिए दोस्त लोग हैं, सब करी हो आवा, सब व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं कि तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, मेरा विश्वास है कि राम कथा सिद्ध है और आपका जो संकल्प है उन विद्यार्थियों को तैयार करने का, मैं यह राघव जी के चरण में डालता हूँ, अवश्य लक्ष्य पूर्ण होगा। आप सबको कल भी सुनाया था, ये हमारा विश्वास है। वैसे कथा कराना बड़ा कोई सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम है कलयुग में। ओहो, अरे तो बेचारे अध्यापक हैं, इनको तो और कठिन है। अरे भाई सेवा भी लोग उसको देते हैं जिससे लेते रहते हैं, ये तो महात्मा है, अध्यापक हैं ही क्या हो। तो गाधी तने मन चिंता व्यापी, आदमी देता उसी को है कि इनसे, फिर इनके पास कोई आए कहेंगे भैया देखो ना विद्यार्थियों में खर्च हो गया, हमका बता मुझे नमस्ते हो गया। तो वह है, परंतु मेरा विश्वास है अभी दूसरा दिन है, आप देखते चलो कि कथा क्या क्या करती है। साहब सब कुछ कर देती है कथा। विश्वास, भगवान शिव, मां शिवा, मां ने कठोर तप किया, आकाशवाणी ने वर दिया, अस तप काहुन की निभवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषिशा, तब जाने हो प्रमाण भागी सा। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। हा हा हा, माँ भगवती का चरित्र को स्वामी जी पूर्ण करते हैं। बाबा याज्ञवल कहते हैं कि शिव बाबा सती अम्बा के जाने पर बड़े दुखी हुए, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जप ही सदा रघुनायक नामा, जहत सुन ही राम गुणग्रामा। बहुत काल बीता, मुनियों को उपदेश करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कहीं ज्ञान देते हैं, कहीं ज्ञान लेते हैं, बहुत दिन बीता, ध्यान में अवस्थित हुए, भगवान श्री रघुनाथ जी आए, उन्होंने वचन मांगा, जाओ विवाह हो शैलज यह मोहि मांगे देव। शिव बाबा कहें आपकी आज्ञा कैसे टालू। देखिए जीवन में किसी न किसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए, जिसके कहने पर हर बात हम माने, जिसके जीवन में कोई श्रेष्ठ नहीं है ना, तो छितरा जात हरा जात फट जाता है। कोई ना कोई सिर पर श्रेष्ठ हो, जिसके चरण में यह सिर जाकर के झुके। बाबा ने कहा प्रभु सिर धर आयस करिए तुम्हारा, क्यों परम धर्म यह नाथ हमारा। कारण धर्म माँ तो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ। हा आप तो मेरे सब प्रकार हितैषी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। भगवान प्रसन्न हुए, चले शिव जी फिर ध्यान में चले गए। आगे सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, फिर तारक असुर की कथा। भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया, रति को वरदान प्राप्त हुआ और देवता भगवान शिव की शरण हुए। देखिए भगवान से निरंतर मिलते रहना चाहिए, कितना निरंतर। आदमी क्या करता है जब दुखी होता है तो भगवान के पास पहुंच जाता है, दही दही निरंतर मिलते रहो, निरंतर मिलते रहेंगे ना तो कभी कोई परेशानी होगी तो भगवान स्वयं समझ लेते हैं।
और आपका भी विश्वास रहता है कि हम निरंतर मिलते हैं, भगवान सब जानते हैं। देखिए जो भगत हैं वो ये जानते मानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, जो भजन नहीं करता है अरे भगवान से कह देओ, क्या कह दोगे, क्या नहीं जानते हैं वो। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो भगवान सब जानते हैं, कहो मत, कुछ मत कहो, क्या नहीं जानते हैं प्रभु, क्या छिपा है, प्रभु सब जानते हैं। आए देवता लोग जब रति को वरदान प्राप्त हुआ तब भगवान शिव की शरण में आए और सब भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। पृथक पृथक तेन की न प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्रात स्मरणी पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज देवताओं के लिए प्रार्थना लिखे, क्या अद्भुत बात है। आ शंकर तेरी जटा में गिरती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में गिरती है गंग धारा, काली माता के अंदर जिमदामिनी माली राजे सचि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे सचि भाल पे विराजे, कमलोनी नाद बाजे हर में त्रिशूल धारा, कमलोनी नाद बाजे सूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी भक्त दुख हारे कैलाश में बिहारा, भक्त दुख हारे कैलाश में बिहारा, बाबा शंकर तेरे जटा में नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, नाम सारे अब सिंधु पार है गंग धारा, काली जटा के अंदर जिमदामिनी उधारा, काली जटा के अंदर जिमदामिनी उधारा। देवता लोगों ने अलग अलग प्रशंसा किया। देखिए एक घर में भगवान तो बहुत है, एक ही स्तुति होनी चाहिए। स्तुति माने समझते हैं ना, प्रशंसा नहीं। घर एक हो और भगवान 14 हो, 14 प्रकार की प्रशंसा भगवान की, तब समस्या ये आएगी कभी काम पड़ेगा तो कौन भगवान बुलाए जाए, डेह बाबा, काली माई, देई माई, हट्टी माई, बरम बाबा, दुर्गा जी, संतोषी माई, राम जी, कन्हैया, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, किसको बुलाया जाएगा। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक यंत्र बना लिया जाए,
अब जानते हैं आनंदित हो जाएंगे हम। देवता अलग अलग प्रशंसा करते हैं, खोलूं तो ये बहुत देर का कार्यक्रम है। अलग अलग प्रशंसा क्यों? क्योंकि सब डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी अलग अलग व्यवहार करता है। जब कोई दुर्घटना होती है ना, तो जानते हैं उस घटना से लोग नहीं हताहत होते हैं, उसके भय के कारण से हताहत हो जाते हैं। बर्दाश्त नहीं होता, मन पर बैठ जाते, भगदड़ मच जाती है। अरे अलग अलग, एक मन का समाज होता है तो एक स्वर में स्तुति होती है। अलग अलग समाज देवताओं का, अलग अलग स्वर लहरी जब एक साथ होती है, इसको नाद ब्रह्म कहते हैं, तो वह प्रभाव देती है। अलग अलग निकलेगी तो उसका कुप्रभाव आएगा। देवताओं को देखकर भगवान शिव ने पूछा, कहो हमर आए के ही। भगवान ने देव नहीं कहा, क्या कहा? अमर कैसे आए? क्यों पूछा बाबा ने? भगवान शिव ने विनोद किया, क्योंकि जब तुम अमर हो तो यहां का करने आए हो? जाओ आनंद करो। आए काहे? तारकासुर के मार से घबरा कर ही लोग आए। ऐसा नहीं होना। हाँ, भय के मारे भजन नहीं होता है, वो भय भजन है। अब भजन प्रेम से होना, प्रेम पूर्वक होना। जब प्रेम से भजन होगा तो उसका अलग प्रभाव है, भय से होगा तो भय मुक्ति के बाद फिर समाप्त हो जाएगा। वैसे कोई घर छोड़ के चला जाए, हरिद्वार काशी प्रयाग वृंदावन कहीं जाए, तो जब यहां त्रास मिला तो वो तीर्थ चला गया, और जब तीर्थ में त्रास मिलेगा तो यहां का भूल कर फिर घर की याद आना शुरू हो जाएगी। तो लोग साल दो तीर्थ में रहते हैं, फिर भाग के घरे आ जाते हैं, घर वाले भी भुला जाते हैं बेचारे। ऐसा भजन नहीं होना। भजन तो आप जहां रहो वहीं बनना, मस्ती में बनना। बड़ा कष्ट है। का कष्ट है? भगत को कई कष्ट नहीं, देवताओं को कष्ट है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।